वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक और नई वीडियो के साथ में क्लास 10th साइंस के लिए, और जिस टॉपिक पर आज वीडियो है इसके काफी डिमांड आ रही थी और काफी कमेंट्स भी मेरे पास में आए हैं, तो इसलिए ये वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम इसमें ले रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.2, इसको हम कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो एक्टिविटीज के वीडियोस काफी चैनल पर हैं और काफी वो वीडियो देखे जा रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये कमेंट आ रहे थे कि इन टॉपिक जो ये जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, इस पर भी आप वीडियो बनाइए। तो ये एक्टिविटी जो है वो हमें कहती है कैलकुलेट द डिफरेंस इन फॉर्मूलाज एंड मॉलिक्यूलर मासेस फॉर CH3OH एंड C2H5OH, C2H5OH एंड CH3H7, C3S7OH एंड C3S7OH एंड C4H9OH। ओके, तो ये हमको जो है कुछ फॉर्मूलाज हमको गिवन है। इनमें हमें जो है एक तो हमको इनका जो फॉर्मूला है उसमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है और इनका जो मॉलिकुलर मास है उसमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, इज देयर एनी सिमिलरिटी इन दीज थ्री। तो ये जो आपको ग्रुप दिए हैं तीन, इसमें क्या समानता है, सिमिलरिटीज क्या है वो हमको बतानी है। अरेंज दीज एल्कोहल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स टू गेट अ फैमिली। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इन कंपाउंड्स को कार्बन एटम्स के जो नंबर्स हैं उनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको इनको अरेंज करना है जिससे कि हमें एक फैमिली मिले। एंड कैन वी कॉल दिस फैमिली होमोलोगस सीरीज। क्या हम इस फैमिली को होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं, समजात श्रेणी कहते हैं हिंदी में। ओके, एंड जनरेट द होमोलोगस सीरीज फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू फोर कार्बन एंड अदर फंक्शनल ग्रुप्स गिवन अहेड टेबल। और इसके अलावा ये जो हमको जो फॉर्मूलाज गिवन है, ठीक है, एल्कोहल्स के, इसके अलावा जो भी अदर जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनमें भी हमको ऐसी एक होमोलोगस सीरीज बनानी है, एक टेबल हमको जनरेट करनी है। सो लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बीन गिवन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, वी हैव दीज फॉलोइंग कंपाउंड्स CH3OH, C2H5OH। ओके, अब इसी को यहाँ पर इस ग्रुप में फर्स्ट नंबर पे लिखा है, सेकंड है C3S7OH। ओके, और फिर इसको यहाँ पर अगेन यहाँ लिखा है और नेक्स्ट मेंबर लिखा है C4H9OH। तो इनको यूज करके हमें बताना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट हम फाइंड करते हैं कैलकुलेट द डिफरेंस इन फॉर्मूलाज एंड मॉलिक्यूलर मासेस, जैसा कि एक्टिविटी में हमको करने को कहा गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये एक टेबल जनरेट की है जिसमें हमने जो भी ये तीन ग्रुप हमको दिए गए उनको हमने लिखा है। तो ये कंपाउंड्स में हमने जो ये फर्स्ट ग्रुप लिख लिया यहाँ पर CH3OH एंड C2H5OH, सेकेंड ग्रुप हमने यहाँ लिख लिया और थर्ड ग्रुप हमने यहाँ लिख लिया है। अब हमको फाइंड करना है कि ये जो दो कंपाउंड हमको गिवन है इनमें फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है और इनके मॉलिक्यूलर मासेस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, इनके फॉर्मूला में जो डिफरेंस आता है वो इस एक यूनिट का आता है CH2, इसका एक डिफरेंस आएगा। कैसे आएगा, फर्स्ट देखिए CH3OH, तो यहाँ पर एक कार्बन एटम है और यहाँ देखते हैं C2, इसका मतलब दो कार्बन एटम है, तो C2 और यह है सी। ठीक है, तो इसमें से हमने इसको जो है सब्ट्रैक्ट किया तो एक कार्बन एटम का डिफरेंस आ जाता है। देन हाइड्रोजन H3 है और यहाँ पर H5 है, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, टू हाइड्रोजन का, तो जो है कंबाइंडली जो है एक डिफरेंस बन जाता है CH2 का। ठीक है, OH जो है वो इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसके हाइड्रोजन को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस क्या होगा, तो देखिए सी यानी कार्बन, कार्बन का जो मास है वो होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इट मीन्स 2 हो गया, तो 12 प्लस 2 क्या हो गया, 14। ठीक है, तो 14 जो है यूनिट इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाता है।
अब यहाँ देखते हैं सेकंड जो हमारा ग्रुप है इसमें C2H5 और C3H7 यहाँ पर भी जो इन दोनों कंपाउंड्स में जो डिफरेंस आता है वो आता है CH2 यूनिट का डिफरेंस आता है जो फॉर्मूला में, ठीक है, और सेम मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आ जाता है 14 यूनिट का, ठीक है। और जो हमारा थर्ड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप में C3H7OH और C4H9OH, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है और 14 जो इसका मॉलिक्यूलर मास है इसका डिफरेंस है। तो हम ये देखते हैं कि जितने भी ये कंपाउंड्स हैं अगर इसमें हम डिफरेंस देखें फॉर्मूले वाइज देखते हैं तो ये डिफरेंस हमको यहाँ पे नजर आता है और इसके अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें ये डिफरेंस नजर आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया इसमें, तो इजी है बिल्कुल, आप उन फॉर्मूले को लिख लीजिए और उसमें आप इस डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। CH2 इसका कंबाइंडली जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा, ओके। नाउ इज देयर एनी सिमिलरिटी इन दीज थ्री कौन से जो आपको ये ग्रुप गिवन है, ये तीन ग्रुप गिवन है, तो क्या इनमें कोई समानता है, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं इनमें क्या समानता है। देखिए, यस ऑल कंपाउंड्स हैव OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप का जो है इनमें एक सिमिलरिटी है, इनमें सब में OH ग्रुप है, इस ग्रुप को कहते हैं अल्कोहल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये OH है, ये OH आ गया यहाँ पर, ठीक है, इसमें ये OH ग्रुप आ गया, यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ पर ये OH ग्रुप है, तो सभी के अंदर एक कॉमन बात है, जितने भी ये कंपाउंड्स हैं बेसिकली ग्रुप तीन है लेकिन ये फोर कंपाउंड्स आपको गिवन है, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इनमें OH ग्रुप सब में है मींस अल्कोहल ग्रुप है, तो ये इसमें सिमिलरिटी हो गई, ओके। नाउ अरेंज दीज अल्कोहल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स टू गेट अ फैमिली। हमें क्या करना है, जो भी हमको ये फोर कंपाउंड्स गिवन है, ठीक है, इसको एक टेबल के फॉर्म में हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, जो कार्बन एटम उनमें प्रेजेंट है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसमें सबसे कम कार्बन है वो पहले आएगा, ज्यादा वाला बाद में आ जाएगा, ओके। नाउ वी हैव दिस टेबल, तो इसमें सबसे पहले सिंगल कार्बन वाला ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, C2 यानी जिसमें दो कार्बन है, C3 तीन कार्बन है, C4 चार कार्बन है, तो ये हमने एक तरह से इसकी एक फैमिली हमने बना ली है, ठीक है। इसमें सब में सेम जो है फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज OH विच इज कॉल्ड अल्कोहल ग्रुप, ओके, और यहाँ पर जो है हम इसको कार्बन एटम्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इनको अरेंज कर लिया है, तो हम इसको अब एक फैमिली के जो है कंपाउंड्स या मेंबर्स हम कह सकते हैं, ओके। डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैन वी कॉल दिस फैमिली अ होमोलोगस सीरीज, जो अभी हमने पिछले जो है हमने ये एक टेबल बनाई थी, क्या हम उसको होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं, ठीक है, यस हम उसको होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं। ऑल दीज कंपाउंड्स हैव OH ग्रुप, ठीक है, मींस जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, ओके, सो दे आर अ फैमिली, वो क्या है, एक फैमिली के मेंबर हो गए, एंड वी कैन कॉल दिस फैमिली होमोलोगस सीरीज, तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है। दे शो डिफरेंस ऑफ CH2, तो अभी हमने पहले समझा था इसमें कि बेसिकली एक होमोलोगस सीरीज या एक जो फैमिली बन जाती है उसके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं तो दो सबसे नजदीकी कंपाउंड जो होंगे उनमें CH2 यूनिट, ठीक है, का डिफरेंस होगा, ओके, तो बिल्कुल इजी है ये। होमोलोगस सीरीज फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू फोर कार्बन्स फॉर अदर फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, तो एक्टिविटी में हमको ये कहा गया था कि इसमें जो आपको कंपाउंड दिए हैं उनके अलावा हमको बनाने हैं, ठीक है, सो वी हैव दिस टेबल इन विच वी हैव क्लोरो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, दीज आर फंक्शनल ग्रुप्स, तो यहाँ पर हमने
क्लोरो ग्रुप के लिए जिसमें क्लोरीन जो है वो होता है, ठीक है, एक एलिमेंट है, एक एटम जो है वो क्लोरीन होगा इसके अंदर, ठीक है। तो हमने इसके ये फोर मेंबर्स हमने लिख लिए यहाँ पर, ठीक है। आप खुद इसमें डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनके फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, क्या CH2 का डिफरेंस आता है या नहीं आता है, और जो इनका जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें भी डिफरेंस 14 का आता है या नहीं आता है, यू कैन फाइंड आउट। ओके, सेम थिंग एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर भी ऐसा ही है, ठीक है, आप इसको फाइंड करिए, और जो कीटोन ग्रुप है उसमें भी आप इसको फाइंड करिए, ठीक है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आपके लिए एक तरह से होमवर्क है कि आप इसमें फाइंड आउट कीजिए कि इनमें जो फॉर्मूला है उसमें क्या डिफरेंस है और मॉलिक्यूलर मासेस में क्या डिफरेंस है। ओके, सो अब हमने इस एक्टिविटी से क्या समझा है, द कंपाउंड्स दैट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप मेक अ फैमिली, ठीक है, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, वो क्लोरो हो सकता है, वो एल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो वो सारे कंपाउंड्स मिलकर के एक फैमिली बनाते हैं जिसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ओके, नाउ इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, वी कैन से दैट मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव कॉमन डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, विच इज CH2, ये डिफरेंस है, एंड मॉलिक्यूलर मास विच इज 14, ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस बेसिकल जो बेसिकली आ जाता है, ठीक है, आपको टॉपिक समझ में आया होगा ये, ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं जरूर जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। नाउ अब इस एक्टिविटी पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स आप खुद फाइंड आउट कीजिए, इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है, नोटबुक में इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, इनके आंसर्स लिखिए, कोई भी आंसर्स को फाइंड करने में आपको डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो ऑन द चैनल वी हैव डिफरेंट प्लेलिस्ट, तो आप जाकर के देख सकते हैं आपके लिए क्या यूजफुल है, वो प्लेलिस्ट आप जरूर जरूर देखिए, ठीक है, और भी किसी टॉपिक की डिमांड हो तो आप जरूर करिए, ठीक है, जैसे ही मुझको समय मिलता है मैं उसको बनाने की कोशिश पूरी पूरी करूंगा और हर कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। आपको जैसा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए साई क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।